Hey friends, what's up? Myself Divansh Chaturvedi, back with another video, and this time it's Jabalpur Bandra Terminus Superfast Special Express. So friends, आज की जो हमारी जर्नी रहेगी वो जबलपुर स्टेशन से इटारसी के साइड जो ट्रैक्स जाते हैं उधर की साइड की रहेगी. हमारी अभी जो ट्रेन है वो जबलपुर स्टेशन में खड़ी हुई है और हमारा डिपार्चर टाइम तो हो ही चुका है आई थिंक. तो चलिए यहाँ से डिपार्ट कर देते हैं हॉर्न बजा के. एंड गाइस, ये एक्टिविटी जो है मैंने नहीं बनाई है, ये एक्टिविटी रिसेंटली ही किसी भाई जी ने www.trainsim.com पर अवेलेबल की है. मैं सॉरी उनका नेम भूल गया. एंड गाइस, ये एक्टिविटी मैंने थोड़ी सी मॉडिफाइड भी करी है, एटलीस्ट 2-3 स्टॉप मैंने एक्स्ट्रा डाले हैं इसमें. एंड देखते हैं आज की हमारी जर्नी कैसी रहती है. एंड गाइस, ये जो वीडियो है इसकी रिक्वेस्ट दी थी मिस्टर ऋषभ कश्यप जी ने. आई होप भाई जी आपको ये वीडियो पसंद आएगी. एंड जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, अभी हमारे लेफ्ट हैंड साइड में कोई भगत की कोठी शेड के लोकोमोटिव के साथ कोई एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी हुई है जबलपुर जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर. एंड ये गाइस रूट है वेस्टर्न रेलवेज वर्जन 6 बाय मिस्टर अपूर्व सोनी जी. काफ़ी शानदार ये रूट है हमारे इंडियन MSTS कम्युनिटी में. एक सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर जिस रूट में किया गया है, ये ऐसा पहला रूट है वो, मतलब गाइस ये उन कैटेगरीज में आता है जिसमें काफ़ी सारा जो है डिस्टेंस कवर किया गया है इंडियन रेलवेज का. एंड जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, हमारा जो लोकोमोटिव है वो है इटारसी शेड का WF4-22916 इज द रोड नंबर. चलिए हल्के हल्के यहाँ से डिपार्ट करते हैं. अभी एज 35 किलोमीटर पर आवर की हमारी स्पीड लिमिट है. एंड गाइस, अभी मैंने रिसेंटली ही रेलवर्क्स ट्रेन सिमुलेटर 2018 की वीडियो डाली थी. आई होप आप सभी को वो पसंद आई. एंड अगर आप और वीडियोस देखना चाहें तो आप मेरे को बता सकते हैं. ओनली थिंग गाइस, उसमें बस रूट्स की कमी है. रूट्स और आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा. सम लाइट पैक 7 गोइंग टूवर्ड्स जबलपुर स्टेशन, बट राइट नाउ दे आर स्टैंडिंग इन दी आउटर. मे बी हमारी वजह से इनको आउटर में रुकना पड़ गया. हम जो है मेन लाइन से आ रहे हैं जबलपुर स्टेशन से, और भाई हमने ओवर स्पीडिंग करी थी, हमने ध्यान भी नहीं दिया. एंड जैसे कि आप सभी ने देखा, वो जो आई गेस कल्याण शेड के वैक 7 थे, जैसे ही हमने वो मेन लाइन क्लियर की वो चले गए जबलपुर स्टेशन की साइड. तो चलिए अब स्पीड जो है इंक्रीज़ कर लेते हैं. 75 किलोमीटर पर आवर की जो है हमें स्पीड लिमिट दे दी गई है. एंड भाई अपना नेक्स्ट स्टॉप है नरसिंहपुर, और ये है 53.9 किलोमीटर. देखते हैं कैसे वहाँ तक पहुँच पाते हैं. वैसे तो गाइस कोई चांस है नहीं वहाँ तक पहुँचने का, बट देखते हैं जहाँ तक भी हम इस एक्टिविटी को कवर कर सकते हैं वहाँ तक करेंगे. राइट नाउ वी आर अप्रोचिंग मदन महल स्टेशन. तो चलिए अब अपने जो है लोकोमोटिव के व्यू में रहते हैं.
एज आप सभी ने काफ़ी मेरे को रिक्वेस्ट भी दी है कि आप यार लोकोमोटिव से चलाई करें इस गेम को, मतलब लोकोमोटिव के व्यू में जाकर इसे प्ले करें। तो चलिए अब यहीं पे रहते हैं यार कुछ टाइम के लिए। वैसे तो गैस अपना जो कैब व्यू है लोकोमोटिव का, वैसे तो ये कैब व्यू नहीं है, ये एक तरह से पैसेंजर व्यू है जो भी है, बट काफ़ी शानदार है, मतलब देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। एंड वी हैव जस्ट क्रॉस्ड मदन महल स्टेशन एट गुड स्पीड। एंड देखते हैं भाई अब कौन सी ट्रेन आ सकती है, हमें क्रॉस कर सकती है। F7 से जो है ट्रेन लेवल हम विजिबल कर लेते हैं। अगर आप F7 दबाते हैं तो कोई अगर ट्रैफिक ट्रेन आपके पास आती है तो उसके ऊपर एक लाइन सी बन जाती है, एंड उस लाइन के ऊपर उसका नेम लिखा होता है कि वो कौन सी ट्रेन है। एंड अगर आप F6 प्रेस करते हैं तो आप जब भी किसी स्टेशन के पास जाएंगे तो आपको स्टेशन के बारे में पता चल जाया करेगा कि कौन सा स्टेशन है आपके पास में अभी। बाय द वे गाइस अगर ये मतलब पैसेंजर भी उसमें भी कुछ एनिमेटेड टाइप होते हैं तो काफ़ी शानदार कैब व्यू लगता है ये। ये जो पंखे हैं एंड काफ़ी सारे मतलब वाइपर्स वगैरह हुए, वैसे तो वो वाइपर वगैरह चीज़ सिर्फ कैब व्यू में ही पॉसिबल है, ऐसे पैसेंजर व्यू में तो ये सब मुश्किल ही हैं। एंड राइट नाउ वी आर अप्रोचिंग कच्चपुरा स्टेशन। भाई अपने वैफ 4 की जो बेल साउंड है ना इतनी तगड़ी है कि क्या कहें, मतलब जैसे कि आपने देखा होगा जब वैफ 7 काफ़ी अच्छी स्पीड में क्रॉस करता है किसी स्टेशन को, सोमनाथ एक्सप्रेस वाया इटारसी क्रॉसिंग दी जबलपुर बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट स्पेशल एट कचपुरा स्टेशन। जैसा कि गाइस आप सभी ने देखा वो जो लोकोमोटिव था उसका पेंटोग्राफ ऊपर नहीं था, नीचे था, बट स्टिल ये जो है ट्रेन को पावर मिल रही थी। इसका इस वो लोकोमोटिव की एनिमेशन में कुछ प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम सिर्फ ओपन रेस में है, MSTS में वो कम्प्लीटली बिना किसी प्रॉब्लम के वर्क करता है अगर आप उसे ट्रैफिक ट्रेन में लगाते हैं, बट जब आप उस मॉडल को ओपन रेस में खेलते हैं तो उसका जो पेंटोग्राफ है वो कभी ऊपर नहीं होगा। ये चीज़ आपको काफ़ी मॉडल्स में जो है देखने मिल जाएगी, तो आपको बस कुछ नहीं करना, उन जो लोकोमोटिव है उन्हें फ्लिप कर देना जब आप उनको कंसिस्ट एडिटर में ऐड करेंगे। इससे क्या होगा कि जो ओपन रेल्स है उनका फ्रंट पेंटोग्राफ ऊपर कर देगा, या बिना किसी पेंटोग्राफ से तो अच्छा है कि एक फ्रंट ही पेंटोग्राफ ऑन हो जाए ट्रेन का, एटलीस्ट लगेगा तो कि हाँ यार लोकोमोटिव का पेंटोग्राफ ऊपर है एंड उसे पावर मिल रही है, ऐसा दिखेगा। मे भी ये भाई जिन्होंने एक्टिविटी बनाई है उनको इसके बारे में पता नहीं हो तो उन्होंने उसे फ्लिप नहीं किया है लोकोमोटिव को। एंड जैसे कि आप सभी तो देख सकते हैं काफ़ी शानदार जो है सीनरी है। अभी दूर दूर तक वेस्टर्न रेलवेज वर्जन 6 काफ़ी लंबा रूट है गाइस, ये आपको एक बार तो इसे डाउनलोड करना चाहिए अगर आपके पास ये गेम है। वैसे तो मैंने जितने भी अभी पार्ट्स डाले हैं और उनमें से एक आध रूट के पार्ट्स में जहाँ तक है मैंने वेस्टर्न रेलवेज वर्जन 6 को अपलोड किया ही है। दोनों गाइस एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, पता नहीं मैंने किया भी है या नहीं। एंड जैसे कि आप सभी सामने देख सकते हैं यार इतनी मतलब चढ़ाई वाली ट्रैक अभी आने वाली है, ये चीज़ काफ़ी डेंजर है इस सेक्शन में इटारसी से जबलपुर के। भाई चलिए अब स्पीड बढ़ा लेते हैं, काफ़ी टाइम से यार 90 के आसपास हम क्रूसिंग कर रहे थे। वाओ वैसे ट्रैक साउंड इतने मजेदार आ रहे हैं ना अभी राइट नाउ, क्या कहने यार। हैट्स ऑफ टू मिस्टर आयुष सिंह जी एंड केवल अंबसना जी, एंड सॉरी भाई आपकी जो मतलब लास्ट नेम है मैं उसे ठीक से स्पेल नहीं कर पाता हूँ,
अरे यार यहाँ पे काफ़ी मतलब चढ़ाई पे अपनी ट्रेन तो स्पीड एकदम से रिड्यूस हो गई भाई। 100% थ्रॉटल वगैरह रखते हैं। बाय द वे गाइस, जो सेक्शन की इसकी लिमिट दिखा रहा है ये 120 किलोमीटर पर आवर दिखा रहा है, बट यार अगर 120 की है और हमने ऑटो पायलट पे अपनी ट्रेन को रखा तो वो पूरी 120 पे ही चलेगी भाई। अभी ढलान आ गई। ए भाई यार थ्रॉटल पावर छोड़ दो वरना तो गई अपनी ट्रेन, 120 से ऊपर जाके रहेगी। और जो भाई ने एक्टिविटी बनाई है वो नहीं चाहेंगे कि यार हम ओवर स्पीडिंग करें, एस मे बी हमारा टाइम टेबल भी फिर ऊपर नीचे हो सकता है या फिर ट्रैफिक ट्रेन्स भी ऊपर नीचे हो सकती हैं। राइट नाउ क्रॉसिंग भेराघाट स्टेशन एट गुड स्पीड अराउंड 110 किलोमीटर पर आवर। एंड वैसे गाइस मेरे को तो सुनने में मिला था कि ये जो ICF कोचेज होते हैं ये 110 की स्पीड से भी ऊपर जा सकते हैं, बट इंडियन रेलवेज में इनकी सेफ्टी के लिए सिर्फ इन्हें 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट दी गई है। मेरे को गाइस एग्जैक्टली नहीं पता, मैंने बस कहीं सुना था ऐसा, मे बी ये बात गलत भी हो सकती है, तो प्लीज़ आप मेरी इस बात को ना माने। अगर आपको पता है कि हाँ ये बात सही है, मैं सही कह रहा हूँ, तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। भाई ऑटो पायलट को बुलाएं क्या? अभी भी ढला उस पर है चढ़ाई पे अपनी ट्रेन। चलिए यार ऑटो पायलट को भी क्या बुलाना, वो बेचारे थक जाते हैं या जितना काम करते हैं यार, फुल स्पीड पे अपनी ट्रेन को लेके जाते हैं जितनी लिमिट होती है। भाई हम ही 100% थ्रॉटल पावर कर देते हैं। एंड आई होप गाइस कि अब ट्रैफिक ट्रेन आ जाएगी। यस काफ़ी टाइम हो गया यार कोई ट्रैफिक ट्रेन नहीं आई। एंड बाय द वे गाइस ये एक्टिविटी भी काफ़ी बड़ी है, मैंने इसको एडिटर्स एंड टूल्स में जब खोला था तो बस यही देख पाया था कि ये इटारसी के बाद भी भोपाल साइड की साइड जा रही थी। भाई 110 से ऊपर गई अपनी ट्रेन और 120 से ऊपर गई। चलो भैया काफ़ी मस्ती हो गई, अब रिड्यूस कर लो स्पीड। यार ये तो रिड्यूस ही नहीं हो रही, ब्रेक लगानी चाहिए अब। तो चलिए गाइस ऑटो पायलट पे आप रख ही देते हैं ट्रेन को। एस काफ़ी अपना जो क्लियरेंस है वो पूरा ग्रीन है। एंड कहाँ तक यार हमें मतलब कुछ ब्रेक्स नहीं लगाने हैं, ऐसा कोई सडन ब्रेकिंग नहीं करनी पड़ेगी। वैसे तो गाइस अगर ऐसा होता कि इस गेम में हम चल रहे हैं और आगे कुछ ऑब्जेक्ट आ जाए, एग्जांपल कार आ गई, ट्रक आ गया, और एकदम से ब्रेकिंग होना, यार वो सीन सबसे तगड़ा होता। इसके रियलिटी में भी समटाइम्स ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, बट हम ऐसा नहीं करेंगे यार, एक्सीडेंट कर देंगे। जैसे अपने लोकोमोटिव की जो है ब्रेकिंग पावर तो अच्छी होगी, तो भाई हम तो रोक ही लेंगे कैसे भी करके, वो जो भी सामने आएगा उस भाई को बचा लेंगे। बट ऐसा सीन एट सम पॉइंट्स इस गेम में डालना चाहिए। Going at good speed and waiting for some traffic train to approach towards us. भाई अपना जो अपोजिट ट्रैक का सिग्नल है यार वो तो रेड दिख रहा है। आई होप कुछ तो आएगा भाई। ऐसे अभी तक जहाँ तक है हमने गाइस 3 ट्रेन क्रॉस कर ली हैं, मतलब 3 ट्रेन हम देख चुके हैं। एंड आई थिंक जो भाई जी ने एक्टिविटी बनाई है उन्होंने सिर्फ रियल टाइम टेबल यूज़ किया है। एग्जांपल इसके बाजू में से सोमनाथ एक्सप्रेस जाती है तो उन्होंने वो ट्रेन डाली है, बट कोई मालगाड़ी भी डाल देते तो यार मज़ा आ जाता। एग्जांपल अभी काफ़ी टाइम से हम चल रहे हैं, बीच में मालगाड़ी आ जाती है तो भी सही रहता है। इसका एक बार के लिए पर्सन अगर अपनी एक्टिविटी बनाएगा वीडियो के लिए तो वो तो धमाकेदार ट्रैफिक डालता ही है। एंड बाय द वे गाइस मैं तो अभी ये सोच रहा हूँ कि यार इतनी सारी एक्टिविटीज़ आप लोगों ने बनाई हैं, trainsim.com पर डाली हैं, मेरी तो आपने काफ़ी सारी वीडियोस देख ली, मैं काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ बना के छोड़ दी हैं और काफ़ी तो यार पेंडिंग भी पड़ी है जिनको अपलोड भी करना है। तो अभी मैं एक काम करता हूँ गाइस कि अपनी एक्टिविटी छोड़ के जितने भी भाई लोगों ने एक्टिविटीज़ बनाई हैं लास्ट में उन सबको ट्राई करते हैं यार। एंड भाई बात रही स्टॉक की तो गाइस सह लेंगे यार, थोड़ा बहुत कर लेंगे,
फिक्स करते रहेंगे। एंड बाय द वे गाइस, ये एक्टिविटी जो है काफ़ी शानदार लगी मुझे। एज स्टॉक वाइज मेरे को सिंगल एरर नहीं आया इस गेम में स्टॉक से रिलेटेड। एंड वो भाई ने कोई लूज कंसेप्ट भी नहीं लगाए थे, ये काफ़ी शानदार चीज़ थी। एंड गाइस, अगर आप कोई एक्टिविटी बनाते हैं तो ट्राई करें कि आप उसमें लूज कंसेप्ट एटलीस्ट बस 10 डालें या 15, उससे ज़्यादा डालेंगे तो आपकी एक्टिविटी पर लोड पड़ सकता है। एंड राइट नाउ आवर ट्रेन इज़ क्रॉसिंग बितोनी स्टेशन एंड आई गेस सम ट्रेन इज़ अप्रोचिंग टूवर्ड्स अस। मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस राजेंद्र नगर जनता एक्सप्रेस विथ सम वेब फोर। और भाई हमारी ये जो ट्रेन गई है कौन सी थी, LTT से राजेंद्र नगर पटना जनता एक्सप्रेस। इसका भी लोकोमोटिव की पावर नीचे हो रखी थी, मतलब पेंटोग्राफ, बट सम हाउ फाइनली हमें एक ट्रैफिक ट्रेन फिर से मिली। वाह यार, इतनी कभी ट्रेन नीचे जा रही है ऊपर आ रही है तो अपने ऑटो पायलट जी परेशान हो गए होंगे, कभी ब्रेक मार के कभी थ्रॉटल पावर इंक्रीज करके। और भाई अपना स्टेशन जो नेक्स्ट है नरसिंहपुर, वो बाकी है 33.6 किलोमीटर। बाय द वे गाइस, ये एक्टिविटी पूरी बनाई गई है, जो भी भाई ने बनाई है काफ़ी शानदार वर्क किया है। तो यार काम करते हैं कि 30-40 मिनट तक ही पूरी खेल ही देते हैं, ऐसे क्या पता हमें आगे कुछ और टेरिफिक देखने मिल जाए। और भाई सुपर फास्ट गाड़ी है, स्पेशल है, वैसे कि स्पेशल है एंड सुपर फास्ट है, ये मेरे को थोड़ा अजीब लगा। आई डोंट थिंक कि ये सुपर फास्ट हो सकती है, मे बी हो भी सकती है बट मैं कुछ नहीं जानता एग्जैक्टली। एज यार स्पेशल ट्रेन्स को इंडियन रेलवेज में जहाँ तक मैंने देखा है लोएस्ट प्रायोरिटी दी जाती है। एस एक यहाँ से हमारे होम टाउन से एक ट्रेन चलती है रामनगर हावड़ा स्पेशल, पूजा स्पेशल, एंड वो जब भी वापस आती है 11 से 12 घंटे के बीच लेट रहती है, उससे नीचे में मुश्किल से ही वो आती है। ऑन टाइम तो भाई कभी नहीं आएगी, आप किसी भी स्पेशल ट्रेन की टाइमिंग देख लीजिएगा, वो मोस्टली लेट रहती हैं। इनका स्पेशल से मेरा मतलब कुछ ही था जो सीजनल में चलती हैं। राइट नाउ वी आर क्रॉसिंग सम ब्रिज। भाई ट्रैक्स, ये ब्रिज साउंड आ रही है क्या? आई थिंक ऐसे हमारे कोचिज की साउंड काफ़ी हाई है तो हमें बिल्कुल पता नहीं चल पा रहा है कि ब्रिज साउंड थी भी या नहीं थी, बट ऐसा तो लगा था कि थी। अपूर्व सोनी जी ने बनाया है ये रूट, तो वो तो काफ़ी ध्यान देंगे उन सब पे, तो शायद थी वहाँ पे। काफ़ी शानदार ब्रिज भी था वो। भाई पीछे निकल गया। आई थिंक गाइस 4 किलोमीटर आगे जाके लगता है यार अपने को रुकना पड़ जाएगा, देखते हैं क्या होता है ना। गाइस मैं किस बारे में बात कर रहा था, ये वेब 4 के बेल के बारे में, कि जब वेब 7 हाई स्पीड में होता है एंड जब वो हॉर्न बजता है उसका, तो जो रुक रुक के बजते हैं ना वो ही चीज़ इस वेब 4 के हॉर्न में हो रखी है। जो भी भाई ने हॉर्न बनाया है काफ़ी शानदार रिकॉर्ड किया है कहना पड़ेगा। ये आपको www.trainsim.com पर मिल जाएगा, फ्रीली अवेलेबल है, अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो वहाँ से कर सकते हैं। अरे यार 4 किलोमीटर बाद तो फिर से वो सिग्नल अप्रोच ही हो गया। चलिए ऑटो पायलट पर दे देते हैं। मैंने ये मैनुअल पे इसलिए करी थी यार, शायद ऑटो पायलट स्पीड रिड्यूस कर सकता था अभी। क्रॉसिंग विक्रमपुर स्टेशन एट गुड स्पीड। भाई फ्लैट MPS है ये कहना चाहिए।
एंड हॉकिंग की भी काफ़ी अच्छी हो गई अपनी। तो चलिए गाइज एक काम करते हैं यार, जो आपने मेरे को लास्ट टाइम कमेंट्स दी थी मेरी लास्ट वीडियो पे, जो कि मैंने कालका से नई दिल्ली जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस की वीडियो बनाई थी, उस पर जितनी भी आपने कमेंट्स दी थी उसे रीड करते हैं एंड देखते हैं आप सभी ने क्या क्या मेरे को क्वेश्चंस पूछे हैं इस बार। देन गाइस फर्स्ट कमेंट है मैंगोलिक रॉय जी का, भाई इसका हॉर्न अजीब है। देखिए भाई जी, ये एक रेलवर्क्स में इंडियन रेलवेज का पहला ऐसा जहाँ तक है एक मॉडल है जो पब्लिकली रिलीज हुआ है, तो कुछ तो उसमें मतलब ठीक नहीं हो ही सकता है। एग्जांपल साउंड वर्क हो गया, जो भी है एक्स वाई जेड, हम उसे और अपडेट कर सकते हैं, उसे सुधार सकते हैं अगर हम चाहें तो। और मॉडलर ने भी अगर कुछ चीज़ बनाई है तो वो यही चाहेगा यार कि वो अपनी चीज़ को ऐसा बनाए कि जो बंदा उसे खेलने वाला है उसे मज़ा आए। तो विश्वाजीत जी भी मे भी ट्राई करेंगे कि इनके हॉर्न्स को और अच्छा बना पाएँ। मैं तो बल्कि ये सोचता हूँ कि यार जो रेलवर्क्स है उसमें हाई क्वालिटी ऑडियो फाइल्स तो वर्क करती होंगी। अब यार अपना ओपन रेस है, उसमें हाई क्वालिटी साउंड्स बिल्कुल परफेक्टली वर्क करती हैं एंड रेलवर्क्स जैसे गेम में तो ऑब्वियसली करती होंगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो लोकोमोटिव्स हैं इनके हॉर्न्स चेंज कर दूँ बाय माई सेल्फ, अगर विश्वाजीत जी थोड़े नियर फ्यूचर में नहीं कर पाते हैं तो। इफ वो मेरे को अलाउ करेंगे तो मैं ही कर दूंगा भाई। देन अमीन खान जी ने लिखा है अब से आप यही खेलो। भाई जी देखिए, मैं सिर्फ ऐसा नहीं हूँ यार कि रेलवर्क्स खेलूँगा, ओपन लेस बिल्कुल भी नहीं छूँगा या नहीं खेलूँगा। अपने को सब चीज़ पसंद है, अपने को रेलवर्क्स भी सही लगता है, अपने को ओपन लेस भी बढ़िया लगता है। जो इंडियन रेलवे से रिलेटेड जो भी है अपने को सही लगता है, बट सिर्फ वो कंप्यूटर में होना चाहिए। एंड्रॉयड यार हम क्या प्रेफर करेंगे, आपका अगर फ़ोन में 2 GB रैम है। 11093 महानगरी एक्सप्रेस हेडिंग टुवर्ड्स इटारसी स्टेशन, सॉरी जबलपुर स्टेशन। जी हाँ, मैं कह रहा था अगर आपके फ़ोन में 2 GB रैम है, प्लस मेरा तो फ़ोन में 2 GB ही रैम है, और फिर गाइस सिमुलेशन गेम अगर आप मोबाइल में खेलेंगे तो वो फील नहीं आती है यार बिल्कुल भी। आपको अगर एक सिमुलेटर गेम खेलना है तो आप पीसी पे खेलिए, ट्रेन सिमुलेटर हो गया, बस सिमुलेटर हो गया, ट्रक सिमुलेटर हो गया। एंड ट्रक में चाहें तो आप यूरो ट्रक सिमुलेटर ट्राई कर सकते हैं, बस में चाहें तो आप यूरो ट्रक सिमुलेटर में मॉड्स डाल सकते हैं या फन बस कोच सिमुलेटर डाउनलोड कर सकते हैं। और ट्रेन में तो यार मैं उनकी वीडियोस डालता ही रहता हूँ तो आप समझ भी नहीं होंगे कि मैं क्या चीज़ कहने वाला हूँ, या तो रेलवर्क्स या ओपन रेल्स। तो भाई मैं बस यही कहूँगा कि मैं सभी चीज़ खेलता हूँ, यही नहीं कि रेलवर्क्स ही खेलूँगा। एंड प्लस जो मेरे व्यूअर्स को अच्छा लगता है मैं मोस्टली वही बनाता हूँ। एस मेरे अभी जो गाइस आप लोग हो, आप मेरे से कहते हो ओपन रेल्स खेलो, तो मैं मोस्टली ओपन रेल्स ही प्रेफर करता हूँ। रेलवर्क्स यार 2 हफ्ते में 1 हफ्ते में एक बार चलता है। देन आशुतोष तिवारी जी ने भी यही कहा है, हॉर्न्स नीड्स वर्क। जी सर, मे बी अपडेट्स में अच्छे हॉर्न्स हो सकते हैं। भाई यहाँ पे कैटेनरी यार ये जो पोल्स हैं ये काफ़ी नीचे हैं, मे बी अपडेट में सही हो सकते हैं, या मे बी यहाँ की जो टाइल्स है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो। अरे यार 90 KMPH की लिमिट आ चुकी है। अप्रोचिंग श्रीधाम स्टेशन, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं काफ़ी शानदार जो है सीनरी वर्क किया गया है श्रीधाम स्टेशन पर, ट्रैक साउंड भी काफ़ी अच्छी है। देन अमीन खान जी ने लिखा है दुरंतो देखना चाहता हूँ। जी भाई दुरंतो एक्सप्रेस की भी वीडियो बनाएंगे जैसे मेरे को टाइम मिलता है।
एंड गाइस विष्णु जी ने पूछा है सर एंड्रॉयड गेम कब आएंगे। देखिए सर मैं एंड्रॉयड जो गेम है मतलब एंड्रॉयड गेम नहीं है, एंड्रॉयड में जो इंडियन रेलवे सिम्युलेटर से रिलेटेड गेम्स आते हैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, मुझे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है उसकी। जो भी उसके डेवलपर्स हैं मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर से रिलेटेड जो सिम्युलेटर गेम है इंडियन रेलवेज का, एक तो माइक्रोसॉफ्ट ट्रेन सिम्युलेटर हो गया एंड रेल वर्क, सिर्फ यही खेलता हूँ मैं। दूसरे प्लेटफॉर्म्स के सिम्युलेटर से मेरे को कोई मतलब नहीं है। गाइस आप सभी भी जानते होंगे यार कि क्या चल रहा है अभी एंड्रॉयड में और पीसी वर्जन वालों में, जो भी है उसकी बात अभी नहीं करते हैं। देन गाइस एक भाई जी ने लिखा है 5 मिनट क्राफ्ट उनके चैनल का नेम है, कहते हैं रेलवर्क को फ़ोन में खेल सकते हैं। जहाँ तक है भाई रेलवर्क्स का नहीं, जहाँ तक है एंड्रॉयड में अवेलेबल नहीं है रेलवर्क्स का ट्रेन सिमुलेटर का कोई भी गेम। बस एक ट्रेन से ड्राइवर करके एक गेम है वो शायद अवेलेबल है, शायद क्या यार वो अवेलेबल ही है, मैंने खेला भी है। सबसे हाईएस्ट क्वालिटी में जो ग्राफिक्स में मेरे को गेम लगा था सिर्फ वही है एंड्रॉयड में सिमुलेशन गेम में मतलब ट्रेन के से रिलेटेड, इंडियन ट्रेन नहीं थी उसमें बाय द वे। देन प्रब रेल लवर जी ने बताया है मैक्सिमम परमिटेबल स्पीड फॉर दिस सेक्शन इज 110 किलोमीटर पर आवर फॉर दी अम्बाला चंडीगढ़ सेक्शन एंड राइट नाउ वी आर क्रॉसिंग करक बेल स्टेशन। जी स्टेशन मास्टर जागिए, हमने इतना बढ़िया अलार्म बजा दिया, वैसे तो यार टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है 2:47 ऐसी, इस टाइम पे कौन सोता है यार, कोई भी नहीं सो रहा होगा, मतलब हमने ऐसे ही हॉर्न बजा दिया। देन अभिषेक मेघानिया जी कहते हैं प्लीज़ अपडेट योर एडवांस। जी सर जल्द ही मैं करूँगा एंड आई गेस आप ये एडवांस से उसी को प्रेफर करें होंगे ट्रेन सिम्युलेटर पार्ट 7 को। एंड गाइस सिद्धांत वत्सी जी ने पूछा है मस्त भाई आप रेन टेक्सचर्स कैसे डाउनलोड करो। भाई जी ये जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा है आपने किस गेम से रिलेटेड पूछा है प्लीज़ आप ये बता दीजिए, या तो रेलवर्क्स या ओपन रेल्स। अगर आप ओपन रेल्स से पूछ रहे हैं तो एक मैंने वेदर चेंज का एप्लीकेशन डाउनलोड की थी, सॉरी एप्लीकेशन कह दी मैंने, एक जिप डाउनलोड की थी जिसमें वेदर चेंज की फाइल थी, बट उसमें मेरे को रेनी सीजन की भी कुछ टेक्सचर मिले थे, मतलब रेन से रिलेटेड जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं इस गेम में ओपन रेल्स में रेनी वेदर में वो मिली थी, मैंने उसे डाला और ओपन रेल्स की चेंज कर लिया था रेनी वेदर का थोड़ा लुक। बट रेलवर्क्स में आपको कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिकली आपको दिए जाते हैं काफ़ी सारे वेदर्स उसमें, आप जब कोई भी सीनरी बनाते हैं तो मतलब जैसे आपने सीनेरियो एडिटर से कोई न्यू एक्टिविटी बनानी चाहिए उसका नेम डाला, रूट ओरिजिन पर क्लिक किया एंड क्रिएट पर क्लिक कर दिया, जैसे आपका रूट खुल जाता है तो राइट हैंड साइड में अपना माउस लेके जाएं एंड एक विंडो ओपन हो जाएगी, वहाँ पे आपको सब कुछ उसका सिलेक्ट करने के लिए दिया जाएगा। आप उस एक्टिविटी को क्या नाम देना चाहते हैं, क्या उसकी डिस्क्रिप्शन रखना चाहते हैं, कब उसे स्टार्ट करना चाहते हैं, क्या उसका टाइम रखना चाहते हैं, क्या उसकी स्टार्टिंग की स्पीड रखना चाहते हैं, वो सब वहाँ पर लिखा रहता है, वो आप वहाँ पर फिल कर सकते हैं। मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस वाराणसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। देन चीनू गेरा जी ने पूछा है भाई कोई ट्रेन वाली गेम बता दो जो फ़ोन के लिए हो, हमें भी खेलनी है गेम। भाई देखिए मेरे को जहाँ तक ऐसा लगता है कि आप यार ऑब्वियसली इंडियन होंगे एंड आप अगर इंडियन है तो इंडियन रेलवे से ही रिलेटेड गेम खेलना चाहेंगे, बट गाइस सीरियसली कहता हूँ एंड्रॉयड में मेरे को ऐसा कोई गेम नहीं लगा यार इंडियन रेलवे से रिलेटेड जो मतलब अप टू द मार्क हो। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मे बी आप लोगों का कुछ अलग हो, आपको जो अभी तक अवेलेबल हैं इंडियन
रेलवे से रिलेटेड ट्रेन गेम्स वो पसंद हो, बट मेरे लिए यार वो अप टू द मार्क नहीं थे, तो मैं सिर्फ सिमुलेटर गेम्स में एंड्रॉयड में ट्रेन ड्राइवर ही प्रेफर कर सकता हूँ। बट अभी तो गाइस मैं वो भी प्रेफर नहीं करता, इस काफ़ी पुराना वो हो चुका है एज एंड आई थिंक अभी उसे कोई खेलता भी नहीं है, एंड जहाँ तक उसके बारे में कोई इतना जानता भी नहीं है। आज के उसमें ऐसे काफ़ी सारे गेम्स आते हैं, अगर आपको ट्राई करने हैं तो आप ट्रेन ड्राइवर प्रेफर कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो आप उसे खेल सकते हैं जब तक आप चाहें। एंड वो गाइस मे बी पेवेयर हो सकता है प्ले स्टोर पर, मैं एग्जैक्टली नहीं जानता, तो आप उसे किसी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, फ्रॉम www.google.com पे सर्च करके आप उसे। देन गोल्डी हती जी ने पूछा है, भाई दिवंश व्हाट इज़ द पीसी रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस गेम, मे बी आप रेलवर्क्स ट्रेन सिमुलेटर 2018 के पीसी रिक्वायरमेंट्स जानना चाहते हैं। सर कुछ ही नहीं है, सिर्फ आपको डुअल कोर प्रोसेसर चाहिए एंड मैक्सिमम 4GB रैम होनी चाहिए। इसका इस रेलवर्क्स जो अभी ट्रेन सिमुलेटर गेम है वो सिर्फ 4GB ही रैम यूज़ कर सकता है जहाँ तक मेरे को पता है। एंड ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो आप एनवीडिया का GTX 730 प्रेफर करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत तो अच्छा खासा FPS मिल जाएगा, बट अगर आपको मस्त सा FPS चाहिए इस गेम को चलाते टाइम तो आप GTX 1050 प्रेफर कर सकते हैं। भाई ये स्टेशन से पहले यार आउटर में क्या डेंजर, मतलब ऊपर चढ़ाई थी एंड काफ़ी डेंजर सीनरी भी लगी हुई थी। कौन सा स्टेशन है, घाट पिंदराई करके है कोई। वाह यार काफ़ी अच्छा गाइस हमारा रन रहा, बट अब इस एक्टिविटी को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। इस वीडियो को भी जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा वो ट्राई करते हैं कि थोड़ा आगे से मतलब प्रेफर करें हम, एंड ऐसा भी हो सकता है कि आगे हमें और ज़्यादा ट्रैफिक मिल जाए। सो गाइस अपना ख्याल रखें, मेरी वीडियोस देखते रहें, बाय बाय ऑल, टेक केयर, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यार मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं फिर से कुछ भूल रहा हूँ, यार आजकल हम बहुत कुछ भूल चुके हैं। एंड गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, आप इसके रिगार्डिंग कमेंट्स भी कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आप ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं, मैं ट्राई करूँगा कि वो बना पाऊँ। हाँ भाई अब सही है, अब नहीं भूले हम कुछ भी। सो फ्रेंड्स अपना ख्याल रखें, मेरी वीडियोज़ देखते रहें, बाय बाय ऑल, टेक केयर, मिलता आप सबसे नेक्स्ट वीडियोज़ में।